महाराष्ट्र का सियासी घमासान तभी से चालू है जब से वहां महाविकास अघाड़ी सरकार बनी है। चूंकि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पहले से ही दोबारा सीएम बनने का सपना देख रहे थे, इसीलिए सरकार चले जाने के बाद उनके गले से नीचे नहीं उतर रही है। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस अब भी अक्सर अपनी सरकार बनने के दावे करते रहते हैं, लेकिन इस बार एनसीपी नेता नवाब मलिक ने उन्हें ऐसा जवाब दिया जिससे देवेंद्र फडणवीस का सपना चूर चूर हो गया है। महामारी के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बयान पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने तंज कसा है। मलिक ने कहा कि देवेंद्र को डर है कि जो विधायक सत्ता के लोभ में बीजेपी में गए थे वो छिटक न जाएं। महाविकास आघाड़ी सरकार 5 साल पूरा करेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना एक साथ हैं। कोई भी ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा। आपको बता दें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बताया था कि बंगाल के चुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस का ऐलान किया गया था, लेकिन जब तक महाराष्ट्र में तीनों पार्टी यानी कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना एक साथ हैं, कोई भी ऑपरेशन लोटस नहीं हो सकता। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम 5 साल के लिए नहीं 25 साल के लिए साथ आए हैं। आने वाले कई सालों तक भाजपा को महाराष्ट्र में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो बयान वो यानी कि भाजपा दे रही है उसका कारण है कि उनकी पार्टी में कांग्रेस और एनसीपी से कई विधायक गए हुए हैं। उन्हें रोकने के लिए वो इस तरह का बयान देते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की इन तारीखों का ऐलान 1.5 साल से जारी है जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, लेकिन अब एनसीपी नेता नवाब मलिक ने साफ कर दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी एक बार फिर सोचने को मजबूर हो गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।